भाइयों ये सुमो टोमो कंपनी का स्टॉल है, इनसे टोटल जानकारी लेंगे। हाँ जी, अपना परिचय बता दीजिए पहले। प्रदीप कुमार जी, मैं सुमो टोमो कंपनी से हूँ जी, और मैं यहाँ गजरोला हेडक्वार्टर पे काम करता हूँ। अच्छा जी, आप ये बताइए आपकी कंपनी के गन्ने के में और धान में कौन से सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है? देखो, गन्ने की बात करी जाए जी, तो हमारा जमीनी स्तर पे एक प्रोडक्ट आता है डेंटोर्स जी, ये वाला प्रोडक्ट आता है डेंटोर्स, दीमक और गिडार के लिए काम करता है, जो व्हाइट ग्रब के लिए। अच्छा हाँ जी, इसके लिए लगाते हैं। जमीन से देना चाहिए? जमीन से, हाँ, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। यूरिया में मिला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितनी मात्रा? लगभग 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से डलवाते हैं जी। आप दोनों तरीके से डाल सकते हैं, एक तो आप नीचे जमीन में खाद में मिला के डाल सकते हैं जी, और आप स्प्रे द्वारा भी डाल सकते हैं। स्प्रे ड्रेंचिंग? हाँ, ड्रेंचिंग में डाल सकते हैं। अच्छा, इसका ऊपर से पत्ती पर स्प्रे नहीं होता? पत्ती पे स्प्रे नहीं करते हैं। अच्छा, और जी, और जो दूसरा हमारा एक प्रोडक्ट आता है सेंटाना नाम से, ये भी डेंटोर्सू का ही मॉलिक्यूल है जो दानेदार में बनाया गया हुआ। अच्छा, स्प्रे में नहीं होगा, ये खाद में मिलाकर? हाँ, जो ड्रिंचिंग की बात करी जा रही थी डेंटोर्सू की, ये ड्रिंचिंग में नहीं लगाया जाएगा जी, ये डायरेक्ट खाद में मिला के आप डाल सकते हैं। अच्छा, काम दोनों के सेम है, दीमक और गिडार पे ही काम करेगा, और कोई काम नहीं करता है। उसके भी डेंटोर्सू के भी? हाँ, डेंटोर्सू और ये दोनों सेम है, ये एक WDG फॉर्म में है, और ये हमारा जो सेंटाना है वो दानेदार फॉर्म है। अच्छा जी, और टॉप बोरर के लिए बताइए आप, टॉप बोरर की बहुत ज़्यादा शिकायत है। टॉप बोरर की शिकायत तो देखो, हमारी कायटे पाती है सुमिताज के नाम से जी, शायद सुना भी होगा, उसे स्प्रे करवाते हैं जी। एक दूसरा प्रोडक्ट आता है मियोथ्रीन जी, फेनप्रोपैथ्रीन टेक्निकल होता है वो। हाँ। आधे लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करवाते हैं। हाँ। लेकिन 100% कोई भी इलाज नहीं है सुमिटो में। अच्छा, हमारे पास नहीं है। और जैसे कि ये है, अब फंगस का रोग चल गया है अभी रेड रोड में। रेड रोड में हम क्या है, एक किटोसी हमारा प्रोडक्ट आता है जी, ये हम लगवाते हैं जी, आधा लीटर एकड़ के हिसाब से जी, कंट्रोल हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है। इसमें कौन कौन से टेक्निकल? इसमें जी एजेक्सोबिन 12.5% में होता है, टेबिकोनोजोल 12.5% में। अच्छा, हाँ जी। स्प्रे में यूज होगा या स्प्रे में? यूरिया नहीं लेनी है आपको जी, कोई भी खाद नहीं लेना है जी, रेत में मिला के 1.5 कट्टा रेत लो जी, आधा लीटर दवाई को मिला के जी, और नीचे गन्ने में बखेर दो, उसके बाद में दूसरे या तीसरे दिन में पानी लगा दो, जैसे शाम को बखेर दो तो सुबह पानी लगा दो। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताओ जी, ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल? अभी देखो, स्टार्टिंग की बात करी जाए या लास्ट की बात? इस टाइम सितंबर चल रहा है, स्टार्टिंग की बात तो पहले सितंबर की बताओ जी। जी, इस टाइम की बात करी जाए, इस टाइम एक हमारा प्रोडक्ट दिया है कंपनी ने, सुमी ब्लू डायमंड, ये जिब्रेलिक एसिड। हाँ जी, पिछले साल इन्होंने लॉन्च किया था जी, ये जिब्रेलिक एसिड दिया हुआ, जो गन्ने अभी क्या है रुके हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है, एक तो साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, दूसरा एक मोटाई नहीं बढ़ रही है जी, दोनों काम ये करेगा, एक तो एक साथ ही उठाव लेगा गन्ने का जी, ठीक है, एक तो बढ़वार कराएगा, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक तो बढ़वार भी कराएगा गन्ने को, मोटा भी करेगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, किसी भी मतलब यूरिया के साथ या एनपीके किसी के साथ मिला सकते हैं? खाद के साथ में डाल सकते हैं। डोज क्या रहेगी? डोज भैया 5 किलो एकड़ की रहती है। 5 किलो एकड़। अच्छा, जैसे इसका स्प्रे करते हैं जिब्रेलिक एसिड का, हाँ जी, उतना ही असर दिखाएगा या? स्प्रे वाला वो अलग फॉर्म का होता है, ये अलग है, ये दानेदार है। नहीं, रिजल्ट उतनी उसके बराबर आएगा या ज्यादा? रिजल्ट अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है कि उसके बराबर भी नहीं कह सकते कि कितनी मात्रा उन्होंने डाल दी। मान लो उन्होंने ज्यादा मात्रा डाल दी तो उससे कम भी हो सकता है। सही बात, ठीक है, यदि डोज के हिसाब से डाला जाएगा बहुत बेटर रिजल्ट रहेंगे। अच्छा, बखेरने में आसानी रहती है। पोका बोइंग के लिए? पोका बोइंग के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है, पर यह है कि हम हारू लगवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हारू लगवाते हैं, काम अच्छा करता है। क्या मतलब कि क्या क्या टेक्निकल है इसमें? इसमें भैया टेबुकोनोजोल 10% होता है, सल्फर 65%। अच्छा, हाँ जी। तो क्या तरीका है इसे लगाने का? इसे लगाने का एक तो हम स्प्रे भी करवाते हैं, आधे किलो एकड़ का स्प्रे होता है, नीचे डलवाते हैं तो 1 किलो एकड़ का डलता है। 1 किलो एकड़? हाँ जी, 1 किलो एकड़ का डलता है। क्या क्या काम करता है वैसे? एक तो ये पोका बोइंग में कंट्रोल करता है, ये मतलब जो 100% कंट्रोल करता है, और जो सल्फर होता है ये एक प्रकार से काम करता है, एक प्रकार से घी वाली मात्रा की स्थिति में होता है। हाँ जी। और जी कोई ऐसी वो जो कि अपना एक डैनिटोल प्रोडक्ट आता है जी, धान वगैरह जैसे लगाते हैं, धान हो गया, अदरवाइज फसलें हो गई जिनमें जमीनी कीड़ों का प्रकोप ज्यादा रहता है। अच्छा, उसके लिए लगवाते हैं, आधे लीटर भी लगवाते हैं एकड़ का, आधे से 1 लीटर एकड़ का डोज देते हैं। ये क्या क्या रोकथाम करता है? ये जी दीमक पे भी काम करता है नीचे, और नीचे जमीनी स्तर पे जो भी कीड़े होते हैं उन्हें सबको उन्हें 15 से 30 मिनट के बीच में खत्म कर देता है। तुरंत असर? तुरंत असर है, तलवार से गर्दन काट डालो
15-20 मिनट बाद आप रिजल्ट देख लो। हाँ जी, अच्छा जैसे गन्ने में सूट बोरर है उसके लिए काम करेगा ये? देखो नहीं, अच्छा जो अर्ली सूट बोरर स्टार्टिंग में आता है उसमें 50 SP के साथ में मियोत्रीन का स्प्रे करवाते हैं, अच्छा, या फिर अदरवाइज कंपनी के प्रोफेनो होते हैं या कोई कार्बोसल्फ्रान वगैरह ऐसे टेक्निकल लगवा देते हैं। जैसे मकड़ी वगैरह आती है गन्ने की पत्तियों पर, माइट पे काम कर जाता है, ये कर जाता है और मियोत्रीन जो लगेगा वो भी काम करता है। अच्छा हाँ जी ठीक है भैया। भाइयों ये देखिए टोटल इनके प्रोडक्ट लग गया था भैया। कौन सा जी? ये अपना नेचर डीप। नेचर डीप, नेचर डीप। अभी क्या है जो गन्ना लगाते हैं यहाँ, इसमें क्या है एक तो हम ड्रिंचिंग करवाते हैं गन्ने पे। अच्छा 100 ग्राम एकड़ का डोज है। काम सिर्फ ये करता है कि जड़ों का विकास कराना जी, और कोई काम नहीं करता। जड़ों का विकास? हाँ जी, जड़ों का विकास कराना। फायदे ये हो जाते हैं, गन्ना जब आपका बन जाता है उसके बाद भी यूरिया में मिला के डालते हैं जी, फायदा ये होता है जब जड़ों का विकास ज्यादा हो जाएगा तो गन्ना गिरने की समस्या बहुत कई हद तक रुक जाएगी जी। एक तो ये बेनिफिट होगा, दूसरा एक बेनिफिट ये होता है जब जड़ों का विकास ज्यादा होगा, जड़ों का विकास ज्यादा होने के साथ साथ क्या होगा कि जो भोजन जो पौधा लेगा ना तो भोजन अच्छी मात्रा में लेगा, ज्यादा उठाता है, ज्यादा उठाएगा तो पैदावार में पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। ये हम धान गेहूँ गन्ना ज्वार बाजरा मक्का सब में लगवा, ये जड़ों के विकास। मात्रा क्या है जी इसकी? मात्रा 100 ग्राम एकड़ का डोज लगता है, वैसे तो 200 ग्राम एकड़ का डोज है नीचे डालने के लिए, ड्रिंचिंग में 100 ग्राम एकड़ का। रेट करीब करीब किसान भाइयों के लिए 700 रुपए के आसपास मिल जाता है ये। अच्छा हाँ जी ठीक है जी भैया।